पानी जैसा रिजोल्यूशन भी जो है ना 12% माइनॉरिटी रिजोल्यूशन पर है वो ऑलरेडी असेंबली में भी पास कर दिए, पार्लियामेंट को भी भिजा दिए, पार्लियामेंट में रुके हुआ है, नेक्स्ट गवर्नमेंट आने के बाद वो भी इंशाल्लाह रिजोल्यूशन भी पास कर देंगे। जैसा तेलंगाना को नामुमकिन बोले, तेलंगाना मुमकिन करके बताए केसीआर साहब, उसी तरीके से जो है ना ये रिजोल्यूशन भी इंशाल्लाह तरीके से भेजेगा। और दूसरी बात ये है कि आज बाहर बच्चों को पढ़ने के लिए 20 लाख रुपए स्कॉलरशिप जो दे रहे हैं गरीब बच्चों के लिए, और शादी मुबारक स्कीम में जो है ना जब पहले कांग्रेस गवर्नमेंट में 18,000 भी नहीं देते थे थोड़े बहुत लोगों को, उसमें भी स्कैम है, पर केसीआर साहब की गवर्नमेंट में जो है ना 1,16,000 रुपये दे रहे हैं, आज कोई गवर्नमेंट आज तक नहीं दी इंडिया में केसीआर साहब दे रहे। और दूसरी चीज़ जो है ये आज इमाम मौजनों को 5,000 रुपये इंडिया में कहीं भी नहीं है, ये केसीआर साहब की गवर्नमेंट में यहाँ पर हमारे तेलंगाना स्टेट में है। आज करंट का प्रॉब्लम नहीं है, कुछ पानी का प्रॉब्लम नहीं है, आज कालेश्वरम प्रोजेक्ट जो बन रहा पूरे इंडिया में नंबर वन है, पूरे एशिया से आगे लोग कालेश्वरम प्रोजेक्ट को देख रहे हैं, ये भी काबिले तारीफ है केसीआर साहब की, जो अच्छे पुख्ते काम जिसको बोलते केसीआर साहब कर रहे हैं काम, तो केसीआर साहब को ऐसे कई स्कीम है, रेजिडेंशियल स्कूल है, रेजिडेंशियल स्कूल भी कहीं भी नहीं है पूरे इंडिया में, 235 रेजिडेंशियल स्कूल ये करे, उसमें बच्चों को जो ना एक एक बच्चे के पीछे 1,20,000 रुपये खर्चा कर रहे हैं केसीआर साहब, इसमें लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं इसके अंदर भी। और दूसरी चीज़ ये है कि आज ग्रेवयार्ड सोन दो और कोई भी चीज़ सोन दो, मस्जिद मंदिर सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाइयों के लिए जो ना जो स्कीम्स लेके आए हैं बराबर की लेके आए, सेकुलर चीफ मिनिस्टर जिसको बोलते हैं इंडिया में नंबर वन सेकुलर चीफ मिनिस्टर है केसीआर साहब, मैं केसीआर साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ और एडवांस में मुबारकबाद देता हूँ कि मैं हमारी गवर्नमेंट जो है ना टीआरएस गवर्नमेंट 100 सीट के साथ बंपर मेजोरिटी के साथ आ रही है यहाँ पर, केसीआर साहब जो है ना सीएम बराबर बन रहे हैं, इसको कोई रोक नहीं सकते, कांग्रेस रहो टीडीपी रहो ये सब फेक है, ये लोग झूठ बोल के धोखा दे के आज तक वोट लेते हुए आए, अभी भी वैसे ही समझ रहे हैं, मगर केसीआर साहब आने के बाद ये लोग भी आज ये लोग के नींद उड़े हुए हैं, चंद्रबाबू नायडू और हमारे राहुल गांधी ये दोनों मिलकर रोड शो कर लो या सोनिया गांधी आके एक महीना यहाँ भी बैठ गए तो कुछ केसीआर साहब को फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि आवाम इनको सबक सिखाने वाली है, आवाम जो है ना इनको जूता मारने वाली है, इसलिए कि आवाम को तेलंगाना की क्या करे लोग, कुछ नहीं करे लोग, गरीब को गरीबी बना के रखे, केसीआर साहब आने के बाद गरीब के बारे में पहले सोचते हो, गरीब बेवा लोगों को यतीम लोगों को भी 1,000 रुपये दे रहे, पास को 2,000 रुपये दे रहे, तो आने वाले टाइम में 3,000 रुपये भी देने का परसों केटीआर साहब भी ऐलान करे वहाँ पर, और 3,000 नहीं 5,000 भी दे सकते केसीआर साहब, केसीआर साहब का दिल बड़ा है, क्योंकि गरीब आवाम गरीब नहीं रहने का है, सब बराबर रहना है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इसके साथ खुदा नाम लेकर जितने चीफ मिनिस्टर हमारे तेलंगाना को आते थे यहाँ का पैसा लेकर आके जो ना आगरा में लोग आते थे, लोग आगरा में डेवलप करने जाते थे और तेलंगाना की आवाम को गरीब बना के रखे थे और तेलंगाना की आवाम गरीब की गरीब हैरान हो गया था, क्योंकि यहाँ पर करंट का भी आप लोगों को मालूम है, करंट का कितना प्रॉब्लम था, यहाँ पर पानी का कितना प्रॉब्लम था, करंट हर 8 घंटे करंट बन रहा था गरीबों में, बच्चों को पढ़ने परेशानी, मतलब वहां से लोग यहाँ पर
सबके लिए अच्छा रहता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाइयों के लिए। और आपको मालूम होना चाहिए केजरीवाल साहब जो है, आज तक इंडिया में कोई भी इमाम मौजूद को 5,000 रुपए नहीं दिए, पहले 1,000 से शुरू करें, फिर उसके बाद बल्लास हो गए, फिर उसके बाद अलग 5,000 रुपए इमाम को मौजूद को 9,600 मुस्लिमों को दे रहे आप, क्योंकि आज देख रहे आप तेलंगाना आंध्रा में जो है इनका लेकर 3,000 रुपये मौजूद दे रहे, वो भी 2,000 मुस्लिम है वहाँ पर, और मेरे यहाँ पर जो है 9,600 मुस्लिमों को 5,000 रुपये के लिए आज आने वाले दिनों में गवर्नमेंट आने के बाद 10,000 भी कर देंगे इमाम को, 10,000 मौजूद कर सकता इंशाल्लाह। आने वाले टाइम में जो है ना, जो आज स्कीम है आप लोग देख रहे होंगे कि जो है आज हमने एक बच्चा अगर घर का पड़ता है बाहर जाके बाहर जाके तो उसको उसका एक पूरा खानदान खुद जाता उसका, तो वो बच्चे को भी पढ़ाने के लिए 20,000 रुपये सेंशन कर दिया गया था। एक एक बच्चों को जो है जो भी गरीब बच्चे है तो फिर पूरे लोग पढ़ने से पहले बाहर जाके वैसे बच्चों को भी जो है बहन के गवर्नमेंट से गवर्नमेंट से कह दिया था जियो भी निकाल के देना भी शुरू कर दिए 20,000 रुपये एक एक बच्चों को बाहर जाके पढ़ने के लिए। फिर आप लोग अप्लीकेशन आगे इलेक्शन के बाद में जो आप दीजिए हम करेंगे वहां से। और दूसरी चीज ये है कि रेजिडेंशियल स्कूल 235 रेजिडेंशियल स्कूल है, रेजिडेंशियल स्कूल खाना और जो है ना ड्रेस किताबें सब कंप्लीट की एक एक बच्चे के पीछे जो है 1,20,000 रुपये खर्चा कर रहे, ऐसा लाखों बच्चे पढ़ रहे आज आज तक कॉलेज नहीं गए। ये काम शादी मुबारक स्कीम है, शादी मुबारक स्कीम में जो है 18,000 रुपये कॉलेज वाले शुरू करे, 50,000 से शुरू करे, 1,16,000 रुपए दे रहे आज गरीबों को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको दे रहे, इससे लाखों लोगों को इसमें फायदा हुआ। क्योंकि 1,00,000 रुपए अगर गरीब को मिलते हैं तो उसका क्या ले सकता है, उसका जहर से मार सकते 1,00,000 रुपए। तो ऐसा करके हमारे केसीआर साहब जो है ऐसे कई स्कीम्स है, और आज जितना डेवलपमेंट जो कंजन के लिए कांग्रेस और बीजेपी मिलकर उसका आज तक कोई भी ये लेवल 4 साल में केसीआर साहब जो है 4,600 करोड़ रुपए जो है माइनॉरिटी बजट दिए 4 साल में, हमारे कांग्रेस गवर्नमेंट ने 10 साल में जो है ना 2,700 करोड़ दिए। तो हमारे छोटा स्टेट है हमारा तेलंगाना स्टेट, इसको 6,400 करोड़ रुपए दिए, और जो अपने आंध्र प्रदेश को जो है ना 2,700 करोड़ रुपए होती 10 साल में दिए। तो ये कांग्रेस है अपने आप को बोलते हैं मुसलमानों के अंदर कुछ मुसलमानों के अंदर ये जो लोग भोगा गए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को लेकर चलने वाली गवर्नमेंट, सिर्फ आज इंडिया में एक ही गवर्नमेंट है केसीआर साहब की गवर्नमेंट है। आप लोग अपना वोट आया मन कीजिए, ये नहीं कि मैं केआर से रहा हूँ, मैं केसीआर साहब की चापूसी कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग प्रैक्टिकल है वो बात बोलो नहीं, मैं किसी से डरना नहीं सिवाय अल्लाह के डरता हूँ भाई, क्योंकि केसीआर साहब एक ऐसी शख्सियत है ईमानदारी से काम करने वाले शख्सियत है, क्योंकि उनको पैसे की कोई जरूरत नहीं है, उनको एक बेटा एक बेटी है, उनको भी सटल है, उनको भी केडीआर साहब को भी पैसों की जरूरत नहीं है, गरीबा मैडम को भी नहीं है, उनके भाजे अभी सोचा वो भी हाथ लग रहा है, इन लोगों को पैसे की जरूरत नहीं, ये लोग पहले से खुद अपना मेहनत का पैसा है, ये लोग पैसे की नहीं, ये लोग फॉर्म की खिदमत करना होगी केडीआर साहब और उनके पूरी फैमिली और पूरे मिनिस्ट्री पूरे एमएलए एमएलसी जो भी हमारी गवर्नमेंट में है केडीआर साहब का एक ही इंस्ट्रक्शन है करप्शन नहीं, और केडीआर साहब की गवर्नमेंट में कोई करप्शन नहीं है और कोई गवर्नमेंट फ्रेंडली है। आज का जो है अपने बाहर साल के बाद जो है हैदराबाद में रेलवे कर रहा था, आज केडीआर साहब की गवर्नमेंट 4,500 में 4,500 में जो है कोई कमी है ना कोई प्रॉब्लम है, आज रात के 2 बजे भी हमारे वहां रहने जाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा सीधी में, क्योंकि सीधी में हो या तेलंगाना स्टेट में हो पुलिस की हमारी नंबर वन पुलिस है इंडिया के अंदर, इंडिया में नंबर वन पुलिस तेलंगाना स्टेट की है, दिल्ली में और कहीं भी मुंबई में कहीं भी वहां पर क्रिमिनल राइट्स होते हैं, वहां पर अपने महाजन चलने के लिए ब्राह्मण रहता है, यहाँ पर रात के 2 बजे अगर अपने मुस्लिम हो या हिंदू फैलना हो या भाया हो कोई भी हो कह तो आराम से जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे तेलंगाना स्टेट की पुलिस नंबर वन पुलिस है, फ्रेंडली पुलिस है, क्योंकि आज पुलिस की सिर्फ केसीआर साहब के डायरेक्शन में जो है पुलिस इसे